मेरा नाम जयराज चौधरी है, मैं ये मेरे फादर है। हम लोगों को 8-10 दिन, हमें 15-20 दिन पहले पता लगा कि इन्हें कुछ लीवर में इशू है। हम लोगों ने गोंदिया से हम लोगों ने हैदराबाद के लिए रेफ़र किया गया कि आप एक बार हैदराबाद में जाइए और हैदराबाद में जाके कोई अच्छे लीवर डॉक्टर्स को दिखाइए। तो हमने काफ़ी यहाँ एक दो हॉस्पिटल्स में दिखाया, पर वहाँ पर हमें बोला गया कि इनकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सचिन डागर, मेरे एक फ्रेंड है संजय जी यहाँ पर जो हैदराबाद में रहते हैं, उनने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार सचिन सर को आप एक बार दिखाइए, सचिन डागर सर को, ये काफ़ी एक्सपर्ट है इस मामले के। तो मैंने उनको दिखाई फाइल, मेरी रिपोर्ट्स दिखाई मेरे फादर की पूरी। तो उनने का इतना कॉन्फिडेंट थे कि मैं ये सर्जरी बहुत ईजीली और एकदम पॉसिबल है, आप पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो मैंने फिर डिसीजन यही सचिन सर से सर्जरी कराने का डिसीजन लिया। और आफ्टर सर्जरी मेरे फादर काफ़ी अभी 7-8 दिन हो चुके हैं, काफ़ी मतलब अच्छा फील कर रहे हैं। और थैंक्स टू वेरी मच सचिन डागा सर, जिन्होंने ये सब चीज़ पॉसिबल कर पाए। और थैंक्स टू ऑल टीम, देयर जूनियर सर, नावेद सर आल्सो, उन्हें बहुत अच्छा केयर किया उनका। थैंक्स टू ऑल नर्सिंग टीम, किम्स हॉस्पिटलिटी, वेरी गुड सर्विस है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलता है। एक फैमिलियर एक जो एनवायरनमेंट यहाँ पूरे स्टाफ के से मिलता है, लगता ही नहीं कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं। और थैंक्स टू ऑल नर्सिंग टीम, थैंक्स टू वेरी मच टू सचिन डागा सर, जो मेरे फादर को उन्होंने ठीक किया है। और थैंक्स टू ऑल देयर टीम। मैं रमेश चौधरी, गोंदिया महाराष्ट्र से। मेरे लीवर में प्रॉब्लम आ गई थी तो मुझे गोंदिया से हैदराबाद के लिए डॉक्टर विकास जैन ने भेजा था। यहाँ आकर मैंने जब हैदराबाद में हॉस्पिटलों में दिखाया तो कुछ समस्या ही नहीं समझ में आ रही थी, और फिर कुछ बोल रहे थे कि ये इसकी सर्जरी हो ही नहीं सकती, मेरे लीवर में एक गांठ जैसी थी। फिर हम बहुत परेशान हुए, उसके बाद हम यहाँ सचिन दादा के पास आए और फिर उन्होंने हमारा सफल ऑपरेशन किया, जो मैं अभी 8 दिन में बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गया हूँ। हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सर्विस दी जाती है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत 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 अच्छा है। और थैंक यू सचिन डागा जी।